ऐसे दोस्तों वीवो नेक्स्ट 3 जो फोन आया था बहुत ज्यादा पॉपुलर फोन गया था, उसी का सक्सेसर बनकर के आ रहा है वीवो नेक्स्ट 3 5G। जी हाँ फ्रेंड्स, ये स्मार्टफोन 5G रहने वाला है और जितनी ज्यादा है इसमें स्पेसिफिकेशंस दी गई है उस हिसाब से इस स्मार्टफोन की प्राइस भी ज्यादा नहीं है। सारी बातें हम लोग इस वीडियो में बताएंगे कितनी ज्यादा स्पेसिफिकेशन अच्छी लेकर के आ रहा है ये स्मार्टफोन। जानना चाहेंगे वीवो नेक्स्ट 3 5G इस स्मार्टफोन के बारे में सारी जानकारी, तो इस वीडियो को आपको जरूर से लास्ट तक देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जब फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे हम लोग वीवो नेक्स्ट 3 5G इस स्मार्टफोन के डिजाइन और डिस्प्ले से लेकर के, तो इस बार वीवो वालों ने जो डिजाइन दी गई है बैक में, वो जो वैसे कैमरे आते हैं वो सीधे सीधे दिए जाते हैं, लेकिन इस बार इस स्मार्टफोन में आपको राउंड वाले कैमरे दिए गए। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है एक और स्मार्टफोन आ रहा है जिसका नाम है OnePlus 7T और OnePlus 7T Pro। इन दोनों पर भी हमने वीडियो बनाई है, आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रहा हूँ। उन स्मार्टफोन में भी राउंड वाले कैमरे देखने को मिल जाएंगे और कलर तो आप देख ही पा रहे हैं कि कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये फोन ग्लास की बॉडी के साथ आ रहा है, मतलब गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको इसमें बैक में देखने को मिलने वाली है। बात करूं यहाँ पे इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो 6.89 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी, नॉच लेस डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी, 99.6 का इसमें बॉडी टू एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं इस स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल डिस्प्ले के साथ आपका काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है कर्व डिस्प्ले दी गई है। वैसे आपको पता है कि पहले फोन आते थे सैमसंग के Note 10, Note 10 Plus, उनमें कर्व डिस्प्ले आती थी क्योंकि वो डिस्प्ले काफी ज्यादा स्मूथ चलती थी, अच्छा एक्सपीरियंस रहता था, चलाने में भी अच्छी लगती थी। वही डिस्प्ले अब आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये स्मार्टफोन आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 8GB 128GB स्टोरेज और 8GB 256GB स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। हाइब्रिड स्लॉट आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें आपको पता है स्टोरेज ज़्यादा दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मेमोरी डालने की और ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप इस चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को हिट कर दो। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके प्रोसेसर के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ इसमें आपको लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलेगा जो कि क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर दिया गया है। तो मतलब आप इसमें मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे, आपके साथ हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि इसका प्रोसेसर जो इतना हैवी दिया गया है। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में, क्योंकि 6.89 इंच की सुपर एमोलेड पैनल दिया गया तो बैटरी भी लार्ज होनी चाहिए। उसी को देखते हुए उन लोगों ने इस स्मार्टफोन में 4500mAh की बैटरी डाल लिया, फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा, टाइप सी पोर्ट भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन बेकार बात यह है कि इसमें आपको 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं देखने को मिल रहा है। क्या फ्रेंड्स, वैसे मेरे हिसाब से सारे स्मार्टफोन में 3.5mm का ऑडियो जैक होना चाहिए, वैसे आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस स्मार्टफोन में आपको 44W का फास्ट चार्जर भी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर आप अपना फ़ोन लगाते हैं तो हार्डली 1 आवर लेगा आपके फ़ोन को कम्प्लीटली चार्ज करने में, ये आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि ये बुक चार्जिंग के साथ भी आ रहा है। तो ओवरऑल बैटरी और चार्जर को लेकर के आपकी कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, लेकिन 3.5mm जैक गायब है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके सबसे बड़े फीचर्स के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ कैमरे को लेकर, क्योंकि जितने भी वन प्लस के फ़ोन आते हैं उनमें कैमरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए जाते हैं। इसमें आपको बैक में 3 कैमरे दिए गए जैसे कि आप राउंड में देख पा रहे होंगे। इसमें आपको जो रियर सेंसर देखने को मिल जाता है 64MP का देखने को मिल जाता है क्योंकि 1.7 aperture के साथ आता है। एक और कैमरा आपको इसमें 13MP का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड को सपोर्ट करेगा जो कि 2.2 aperture के साथ आ रहा है। और जो आपको एक और अगेन लास्ट कैमरा दिया गया वो भी आपको 13MP का दिया गया है, ये टेलीफोटो लेंस दिया गया है जो कि 2.4 aperture के साथ आएगा, उसको आप अप टू 3x जूम कर पाएंगे। जब फ्रेंड्स मतलब आप जूम भी कर पाएंगे, आप जैसे चाहे वैसे इससे पिक्चर निकाल पाएंगे, आपकी पिक्चर क्वालिटी काफी ज्यादा कमाल की रहने वाली। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको 16MP का पॉपअप कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा जो कि 2.0 aperture के साथ आएगा। तो मतलब क्या है आपकी सेल्फी भी अच्छी आने वाली है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बैक में कैमरे अच्छे दिए गए, तो बैक से आप फोटो क्लिक करेंगे वो काफी ज्यादा अच्छे निकाल के देख पाएगा आपको, क्योंकि आप नाइट में फोटो खींचेंगे उसमें भी आपके फोटो अच्छे आएंगे, लो लाइट में खींचे या डे में भी फोटो खींचे ये काफी ज्यादा अच्छे फोटो निकाल के
देगा आपको। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी प्राइस के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले बताया था कि जिस हिसाब से इसमें स्पेसिफिकेशंस दिए गए उस हिसाब से इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं रहने वाली है, क्योंकि ये स्मार्टफोन 5G टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। तो आपको बता दूं इसका 8GB 128GB वाले वेरियंट की जो कीमत रहने वाली है वो 50,000 रुपये के आसपास रहने वाली है, वहीं 8GB 256 वाले की जो कीमत रहने वाली है वो 57,000 रुपये रहने वाली है। तो ओवरऑल आपको बताया वीवो का नेक्स्ट जो आया था उस स्मार्टफोन में की कीमत भी ज़्यादा थी, क्योंकि वो भी 40,000 से 45,000 रुपये की प्राइस में आया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस स्मार्टफोन की कीमत तो थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली थी, लेकिन जो जो चीज़ें इस स्मार्टफोन में दी गई है उसके हिसाब से इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को ले पसंद आए, मुझे उम्मीद है आपको Vivo Next 3 5G की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक बने हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपको लगता है सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी को जरूर से प्रेस करें ताकि आप मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन ले पाएं। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।